क्या हुआ जब खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट से हजारों लोगों की जान बचाने खुद दौड़े चले आए हनुमान जी, और फिर जो हुआ उसे देख पुलिस भी हैरान हो गई। दोस्तों, आज हम आपको इस खास वीडियो में हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वास्तव में हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं वो दौड़े चले आते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी आस्था हनुमान जी के प्रति कई गुना बढ़ जाएगी जब आप सुनेंगे कि एक ऐसा हनुमान मंदिर है जहां पर तेज रफ्तार में आ रही ट्रेन भी खुद ब खुद धीमी पड़ जाती है। अब आलम यह है कि यहां से गुजरने वाली हर ट्रेन धीमी पड़ जाती है, ट्रेन की रफ्तार अपने आप ही कम हो जाती है, मानो ऐसा लगता है कि ट्रेन रुककर उस मंदिर को प्रणाम कर रही हो। यह देखकर आज भी लोग हैरान रहते हैं। दरअसल हनुमान जी का यह अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर स्थित बोलाई गांव के स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के सामने से जो भी ट्रेन गुजरती है उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। इसके अलावा इस मंदिर में भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी लोगों को पहले से ही मिल जाते हैं। इस मंदिर को श्री सिद्ध वीर खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल भर श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है तो दूर दूर से हनुमान भक्त इस मंदिर में शीश नवाने आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों पहले रेलवे ट्रैक पर दो मालगाड़ी आपस में टकरा गई थी। बाद में दोनों गाड़ियों के पायलट ने बताया कि उन्हें घटना के कुछ देर पहले ही इस अनहोनी का पूर्वाभास हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें कोई ट्रेन की रफ्तार कम करने को कह रहा हो, लेकिन उन्होंने रफ्तार को कम नहीं किया और इस कारण टक्कर हो गई। तभी से यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार अपने आप ही कम हो जाती है। कहा यह भी जाता है कि यदि कोई ड्राइवर इसे नजरअंदाज करता है तो ट्रेन की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी आता है उसके जीवन में क्या घटेगा उसका पूर्वाभास उसे हो जाता है। कहते हैं मंदिर में विराजमान हनुमान जी भक्तों को उनका अच्छा या बुरा भविष्य बताते हैं, जिसके चलते भक्त सतर्क हो जाते हैं। कई लोगों का दावा तो ये भी है कि उन्हें अपने भविष्य का एहसास हुआ है। इस अजीब रहस्य के कारण इस मंदिर और यहाँ के हनुमान जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई है और यहाँ पर दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। कहते हैं ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। यहाँ पर हनुमान भगवान गणेश के साथ विराजमान है। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण ठाकुर देवी सिंह ने करवाया था। यहाँ वर्ष 1959 में संत कमल नयन त्यागी ने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर उक्त स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया था। यहाँ पर उन्होंने 24 वर्षों तक कड़ी तपस्या कर सिद्धियां प्राप्त की और ये मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर माना जाता है। आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और इसी तरह की रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राम।